के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के द्वारा निर्देश आदेश के आलोक में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के बीच बनाए गए दिशा निर्देश का पूरी तरह से पालन कराने के लिए जिला प्रशासन की ओर से एक बार फिर से शनिवार से ड्रोन कैमरे की मदद ली जा रही है, जिसमें पहले दिन शनिवार को लहेरिया सराय थाना क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण जून की मदद से दरभंगा नगर पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार, नगर आयुक्त दरभंगा, नगर निगम घनश्याम मीना और स्थानीय थाना अध्यक्ष भी ड्रोन कैमरा के साथ निगरानी करते हुए और आसपास के क्षेत्रों में स्थिति का जायजा लेते देखे गए। वहीं उन्होंने अपने हाथों से भी ड्रोन कैमरा चलाने का अभ्यास किया। जानकारी देते हुए नगर पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने बताया कि जिस तरह से कोरोना संक्रमण की बढ़ोतरी हुई है, कोविड-19 उसे देखते हुए नियमों को और कड़ाई से पालन कराने के लिए हम लोग विभिन्न क्षेत्रों का मुआयना कर रहे हैं। मौके पर एक आरा मिल पर छापेमारी की गई है और कार्रवाई की गई है, एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है। वहीं कई लोगों पर बिना मक्के के चलने को लेकर फाइन भी काटे गए हैं, जिसमें ड्रोन कैमरा काफी मददगार साबित हो रहा है। बड़ी संख्या में लॉकडाउन का उल्लंघन और बिना मास्क के आने जाने वाले लोगों पर कड़ी निगाह रखने के लिए और बताए गए नियमों का अच्छी तरह से पालन कराने के लिए ड्रोन कैमरा से नजर रखी जा रही है। वहीं घनश्याम मीना ने बताया कि लोगों को चाहिए कि कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोका जाए, स्थिति खराब होती जा रही है, ऐसे में प्रशासन की ओर से कड़े रुख अपनाए जा रहे हैं। बिना मास्क के दुकान या प्रतिष्ठान खोलने वाले लोगों पर भी कार्रवाई करते हुए 3 दिन तक दुकान को सील किया जाता है एवं दुकानदार के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। वहीं दुकानदारों को बताया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के आपके प्रतिष्ठान दुकान में आते हैं तो उन्हें बिना मास्टर वाले व्यक्ति को प्रवेश किसी भी हालत में नहीं देना है। सोशल डिस्टेंस का लगातार पालन करना है, साफ सफाई पर भी विशेष रूप से ध्यान देना है और समय समय पर हाथों की सफाई, सैनिटाइजर का उपयोग करते रहना चाहिए। ड्रोन कैमरे के जानकार अब्दुल हादी ने बताया कि ड्रोन कैमरा छोटी और तंग गलियों तक पहुंचने में कारगर है, चिन्हित करने में काफ़ी मददगार साबित हो रहा है, जिससे जहां पुलिस की जीप नहीं जा सकती है वहां ड्रोन कैमरे जाती है और सारी जानकारी उपलब्ध आसानी से हो जाती है। जानकार ने बताया कि बेहतर से बेहतर क्वालिटी के साथ अच्छी सेवा ड्रोन कैमरे से हो पाती है, जिसे चलाना बहुत ही मुश्किल होता है उन जगहों पर जहां बिजली के तार और ऐसी कई बाधाएं, जहां चलाना काफ़ी मुश्किल भरा होता है। इसकी दक्षता जिन चलाने वालों में होती है वही चला सकते हैं, इसके लिए पूर्व में कई अभ्यास करने होते हैं। कल तो हमारे सिटी एसपी साहब, नगर निगम के नगर आयुक्त साहब भी कल बड़े चाव से ड्रोन कैमरा ऑपरेट किए खुद ही और बहुत अच्छे से इसको चलाए। लगा कि हम लोग को ऐसा हमें ऐसा एहसास हुआ कि पूर्व में भी एसपी साहब भी और नगर आयुक्त कमिश्नर साहब भी चलाए हुए हैं, जिस तरह से ऑपरेटिंग कर रहे थे, इससे हमें बहुत खुशी हुई। ये लेटेस्ट तरह का ये है ड्रोन, ये ड्रोन जो है लेटेस्ट है। इसका जो कैमरा है ना वो 4K है और इसमें हेजल ब्लेड है, जो फिल्म शूट के आता है जिस कैमरे से, जो उसके अंदर में जूम होता है, ब्लेड होता है, वही ब्लेड इस कैमरा में लगा हुआ है, ड्रोन कैमरा में लेटेस्ट है। हुआ है उसी को एनफोर्स कराने के लिए आज हम लोग पुलिस और नगर आयुक्त महोदय शहर का भ्रमण कर रहे हैं। अभी हम लोग ने देखा है कि आरा मिल खुली हुई पाई गई, तो उस पर कार्रवाई की गई है, कुछ दुकानों पे भी कार्रवाई की गई है। जो वाहन मालिक बिना मास्क लगाए पैसेंजर को बैठा रहे हैं या चला रहे हैं, उन पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। देखा जरा अभी मिल खुला हुआ है, उसका मतलब आगे जाके क्या होगा, कार्रवाई का आदेश दिया है, इन पर कार्रवाई होगा।